बेटे चलो बच्चों हम प्रेयर करते हैं, हाथ जोड़ो। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, दो वरदान दो वरदान दो वरदान दो वरदान, हम सब बालक हैं नादान हम सब बालक हैं नादान हम सब बालक हैं नादान हम सब बालक हैं नादान, मात पिता का कहना मानो मात पिता का कहना मानो मात पिता का कहना मानो, करो बड़ों का आदर मान करो बड़ों का आदर मान, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, दो वरदान दो वरदान दो वरदान दो वरदान, दो हमें बुद्धि का ज्ञान दो हमें बुद्धि का ज्ञान, प्रातः उठकर शीश झुकाऊं प्रातः उठकर शीश झुकाऊं, मात पिता को शीश झुकाऊं मात पिता को शीश झुकाऊं, गुरुजनों का शीश झुकाऊं गुरुजनों का शीश झुकाऊं, बच्चों नमस्ते बच्चों नमस्ते, बेटा अपना बोलना मैडम नमस्ते, जैसे रोज बोल के जाते हो। मैं कहूँगी बच्चों नमस्ते, आपने बोलना है मैडम नमस्ते। जब कोई हमारे घर आता है तो क्या करते हैं? नमस्कार जी। जब कोई जाता है तो क्या कहते हैं? नमस्ते जी, बाय बाय बाय। सारे बच्चे क्लैपिंग करो। अच्छा आज हम बच्चों के माता पिता के बच्चों के माता पिता आए हुए हैं और इनको सब पता है, लेकिन आज गैस है इसलिए हम थोड़ा बच्चों का भी मनोरंजन करवा रहे हैं, हमारे अभिभावकों की भी मीटिंग ले रहे हैं भाई। अब जैसे गर्मी आ गई है 15 तारीख को बच्चों की सभी अभिभावक कहते छुट्टी नहीं की, गर्मी ज़्यादा होती स्कूल की छुट्टी होगी, और 15 तारीख से देखो सरकार क्या करती है, आप लोगों की छुट्टी करेगी। तो इसलिए देखो हमारी आंगनबाड़ी में 6 से 1.5 साल के बच्चों की पंजीरी आती है और बच्चे इसको खुश होके खाते हैं। कैसे खाते हैं? खुश होके खाते हैं। और ये दूध आता है, ये जो पंजीरी है बच्चे को 92 ग्राम दी जाती है एक बच्चे को, और ये बहुत पौष्टिक आहार है। देखे ना आप लोगों ने ये खा रही है, देखो ये खा रहा है बच्चा, कितना खुश होकर खा रहा है। ये जो घर खाना देते हैं माँ बाप उससे अलग एक्स्ट्रा खाना होता है, ये नहीं है कि भाई हम आंगनबाड़ी में खाना देते हैं तो बच्चों का घर खाना नहीं देना चाहिए, बच्चों को घर भी ताई का माता पिता ने खाना देना चाहिए, और ये एक्स्ट्रा खाना है। और ये स्नैक है जो आजकल हमारे 7 से 12 के स्कूल हैं अल्पाहार, ये है स्नैक अल्पाहार। ये इसमें मुरमुरा है मूँगफली है और भुना चना है, तीनों मिलकर मिक्स होके पौष्टिक आहार बोला जाता है। ये हम बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्रों में जो आते हैं रोजाना 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व शिक्षा के साथ साथ जो पूर्व स्कूली शिक्षा दी जाती है उसके साथ साथ ये 9 बजे अल्पाहार दिया जाता है। और देखो ये दूध है, ये पौष्टिक दूध है। आजकल पता है भैंसे कम हो गई हैं और भैंसे का दूध बच्चों को इतना जल्दी हजम नहीं होता, और ये एक बच्चे का 20 ग्राम दूध है, और ये प्रेग्नेंट माता का भी देते हैं लैक्टेटिंग का भी देते हैं, 3 से 6 साल के बच्चों को भी ये दूध दिया जाता है। ये आज जैसे सभी अभिभावकों को देंगे, और ये हमारी जो किशोरी हैं किशोरी बेटी है जो 12 से लेकर ना 45 साल तक की उम्र की उसमें दूध पिलाने वाली हैं गर्भवती माताएं हैं, और 14-12 साल से लेकर के जो 18 साल की किशोरियां हैं उनको भी ये हम हर महीने देते हैं। तो हमारी आंगनबाड़ी में कितनी कितनी सुविधाएं हैं, और कोई फीस नहीं कोई डाई फैक्ट नहीं इसका, कोई सब प्रकार की सुविधा है। और अभी जैसे छुट्टियों के बाद दूसरा आहार भी आएगा, जैसे गेहूँ आएगा तो दलिया दिया जाएगा, आटा आता है
उसकी रोटियां बना कर दी जाती हैं। और सब अभिभावकों से यही प्रार्थना है कि महीने में 15 दिन में एक दिन मीटिंग में आना चाहिए। जैसे किसी का बेटी हो जाती है, लड़की होती है, तो उसका हम कुआ पूजन करवाते हैं और लड़की होने पर खुशी मिला मनाते हैं। तो आज ऐसे लगी सभी अभिभावकों से यही प्रेरणा है कि अपने बच्चों को गर्मी से बचाए और धूल मिट्टी से बचाए और छोटे बच्चों को 8 बजे स्कूल भेजे, 7 बजे हमारे सेंटर हो रही और 12 बजे छुट्टी की जाती है। और बच्चे का अभी गर्मी है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी में डायरिया की, दस्ता की और एजे जैसी दूसरी बहुत बीमारी फैली हुई हैं। इसलिए हमने अपने बच्चों को बचाना है और साफ सफाई नहला के फुल नॉर्मल ठंडे पतले गर्म कपड़े गर्मी के पहनाने चाहिए। साफ सफाई का घर में भी मच्छरा के जो आती है दवाई वो अपने सामने मार के बच्चा ने बाहर बचा दे और फिर फिनाइल का पोचा लगावे। ये गर्भवती माताओं ने भी अपनी सेहत का और छोटे बच्चे का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पसीने में जैसे बाहर से बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी से एकदम जाता है, पानी नहीं पिलाना चाहिए। और अभी सोमवार को हमारा टीका का कैंप है, इस समय छोटे बच्चा के टीके BCG के, पेंटा के, BPT के, बूस्टर, मीजल, पेंटा फाइवियर सभी टीके JP के लगेंगे। छोटे बच्चे को समय पर 10 बजे आके और यहीं आंगनबाड़ी में अपने बच्चे का टीके लगवा लें। और जिसके कोरोना के थर्ड डोज लगेगी, जिसकी सेकंड पूरी होगी उसको सेकंड लगेगी। जो बुजुर्ग महिला है 50 की 55 की 60 की सभी ना आस पास में अपने घर घर जाकर बच्चों तो मैं भी बताना है और अभिभावकों ने भी आस पास में सबको बताना कि सोमवार को हमारा कैंप है। और फिर 19-21 को इसी महीने में पोलियो आ गया है। पता है पोलियो की दवाई क्यों पिलाई जाती है? क्योंकि पहले दवाई नहीं थी, लंगड़े लुल्ले हो जाते, अदरक मार जाता, तो उस बीमारी से बचने के लिए अब पैदा होता है चाहे एक दिन का भी बच्चा हो उसको भी हम हमारे हेल्थ की तरफ से सुविधा है कि उसको भी पोलियो पिलाओ टीके के साथ, BCG के साथ जैसे पैसा लगाते हैं उसको पोलियो पिलाया जाता। और अब यहाँ हमारा पंचवटी में पानी की टंकी के पास बूथ है, एक वाल्मीकि बस्ती में 2 बूथ है, सब ने अपने बच्चे ठंडे ठंडे में जल्दी से जल्दी दवाई पिलवा के ले जा रही है। एक दिन बैठ के पिलाएंगे, 2 दिन फिर आउट टू आउट, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पाना है क्योंकि पता नहीं अगले दिन दवाई खत्म हो जाए, बारिश आ जाए, सो मौसम हो जाए, बच्चा बाहर चला जाए, बच्चा बीमार आ जाए। इसलिए सभी अभिभावकों से अपील है कि किसी ने भी अपना 0 से 5 साल का बच्चा नहीं रखना, सब ने पोलियो ड्रॉप पिलानी है। और हमारी जो छोटे नन्हे बच्चे हैं ये एक जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि एक बूंद से ही बच्चे की जिंदगी बदल जाती है और एक बूंद के बिना ही बच्चे की जिंदगी बदल जाती है। सभी बहनों को बच्चों को नमस्कार, प्यार भरा जय हिंद।